पंजाब के कई इलाकों में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और आने वाले दो दिनों तक ऐसी ही बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन ये बारिश किसानों के लिए दोहरी मुसीबत लेकर आई है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। धान की फसल की कटाई के बाद किसान लगातार मंडियों में सरकारी खरीद के लिए अपनी फसल को लेकर पहुँच रहे हैं, लेकिन मंडियों में खुले में रखी ये फसल बारिश की वजह से लगातार खराब हो रही है। मंडियों में फसल को बारिश के पानी से बचाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है और किसान अपने स्तर पर ही तिरपाल और प्लास्टिक शीट से ढककर अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी मंडियों में धान की फसल की बोरियां भी लगातार खराब हो रही हैं और पानी में डूब रही हैं। किसानों ने कहा कि भारी बारिश की वजह से उनकी फसल खराब हो रही है, लेकिन मंडियों में उनकी फसल को बारिश से बचाने से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, सुबह से लगातार भारी बारिश हो रही है और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है पंजाब के किसानों पर, जिनकी खेतों में धान की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी है। मैं इस वक्त राजपुरा में मौजूद हूं और यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देखिए खेत में आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा और ये धान की फसल जो कि इस वक्त कटाई के लिए तैयार थी वो पानी में डूबी हुई है और इस वजह से काफ़ी नुकसान किसानों का हुआ है। और फसल की जो कटाई आमतौर पर इस वक्त शुरू हो जाती है वो इस पानी की वजह से अब देरी से होगी, क्योंकि जब ये पानी सूखेगा, फसल सूख जाएगी, तभी यहाँ पर किसान कटाई कर पाएंगे। हमारे साथ लखविंदर सिंह हैं जिनका ये खेत है। लखविंदर जी, बारिश जो हो रही है उससे कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? इससे काफ़ी नुकसान हो गया जी, जो अब कटने वाली से उसको 10 दिन लेट होगी जी फसल, बाकी गिर गई जी सारी हवा नाल जी। तो ये खेत में जो पानी खड़ा हो गया आके, इससे तैयार जो इसका धान का दाना है, इसमें कितना नुकसान आपका हो जाएगा? फसल बिछ गई है नीचे आप? इस बात दो फर्क पै गया जी। हाँ जी, मंडियों में लगातार किसान अपनी धान की फसल को कटाई के बाद लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडियों में फसल को बारिश होने की स्थिति में बचाने को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। राजपुरा अनाज मंडी में भी हजारों क्विंटल धान खुले में रखा है और बारिश की वजह से खराब हो रहा है। किसान अपने स्तर पर ही अपनी फसल को पानी से बचने का प्रयास कर रहे हैं और जो फसल भीग गई है उसे मौसम साफ होने पर सुखाने और बेचने की बात कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में मौसम ने करवट ली है, बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी कई जगह पर हुई है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को, जो कि अपनी फसल की कटाई के बाद अपनी धान की तैयार फसल को सरकारी खरीद के लिए मंडियों में ला रहे हैं, लेकिन मंडियों में इंतज़ाम सही नहीं है। आप देखिए जो फसल है धान की, वो यहाँ पर आपको भीगी हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंडियों में जो फसल आ रही है उसकी सेम डे लिफ्टिंग का दावा तो सरकारें कर रही हैं, लेकिन सेम डे लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। और जो धान की फसल यहाँ पर खड़ी है वो देखिए बारिश की वजह से गीली हो चुकी है। किसान यहाँ पर लगातार अपनी फसल लेकर पहुँच रहे हैं, लेकिन मंडियों में इस फसल को जो सेम डे जो सरकारी एजेंसियों के द्वारा उठा लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा और इसी वजह से बारिश आ जाने के कारण फसल खराब हो रही है। जो बोरियां यहां पर धान की आपको दिखाई दे रही हैं वो भी काफ़ी गीली हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं। आप कहां से आए थे, कितनी फसल लेकर आए थे? हम तो दो तीन ट्राली हम बेच चुके हैं पहले भी, हम आए शंभू से आए हैं यहाँ। तो यहाँ इंतजाम नहीं है, फसल गीली हो रही है, बारिश के बचने कोई इंतजाम नहीं है? कोई इंतजाम, देखो ऐसे खड़े हैं। तो कितनी आपकी फसल ऐसे खराब हो गई है बारिश से? बारिश से असं जी कल दे आए हैं जी, दो ट्रालियाँ लेके आए हुए हैं। कल दी हो जी बारिश हो रही है, देखो आड़ती वीर भी तंग हो रहे हैं, जो माल है उठाया नहीं जा रहा समय सिर। देखो जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसल की कटाई नहीं करी है और उनकी फसल खेतों में खड़ी है, मुसीबत उनके लिए भी और कहीं ज़्यादा है। दरअसल भारी बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है और किसानों की फसल जमीन पर बिछ गई है और फसल का वो पक्का दाना जो कि कटाई के लिए तैयार था वो भीग गया है। ऐसे में अब किसान को अपनी फसल को काटने के लिए अभी और 10 से 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। राजपुरा के गंडा खेड़ा गांव में हजारों एकड़ में तैयार धान की फसल पानी से भीगी हुई दिखाई दी और कई जगह पर फसल पूरी तरह से खराब होकर खेतों में बिछी हुई दिखी। पंजाब में रात से ही लगातार भारी बारिश हो रही है और इसका असर पड़ा है सरकारी मंडियों पर, जहां पर किसान अपनी फसल को सरकारी खरीद के लिए लेकर आए थे। धान की फसल इस वक्त तैयार है और कटाई के बाद खेतों में लाई जा रही है, लेकिन आप यहां पर देखिए पानी कितना यहां पर दिखाई दे रहा है। ये बारिश का पानी है जिसकी वजह से जो धान की फसल यहां पर लाई गई है उसको
ढकने का प्रयास किया गया है किसानों के द्वारा, तिरपाल लगाकर। आप देखिए यहाँ प्लास्टिक की शीट्स और तिरपाल लगाकर फसल को बचाने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो फसल है वो लगातार ख़राब हो रही है। और इसी तरह से पंजाब और हरियाणा में जो मंडियों में फसल है उसकी वक्त रहते लिफ्टिंग नहीं हुई है। जब किसान फसल लेकर आता है तो सरकारी एजेंसियाँ उसका आकलन करती है और उसके बाद इस फसल की सरकारी खरीद होती है और फिर लिफ्टिंग की जाती है, लेकिन लिफ्टिंग वक्त पर ना होने की वजह से बारिश हुई है और उसका असर यहाँ पर आप देखिए किसान अपनी आंखों के सामने अपनी जो तैयार फसल है उसको खराब होता हुआ देख रहे हैं। पंजाब में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी रखा गया है। ऐसे में आने वाले दो दिनों में अगर और भी बारिश पड़ती है तो किसानों की मुश्किलें इसी तरह से बढ़ सकती हैं, क्योंकि जहां एक ओर खेतों में कटाई के लिए उनकी धान की फसल तैयार खड़ी है तो वहीं मंडियों में भी किसानों की फसल खुले में सरकारी खरीद का इंतजार कर रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।